क्या दवाएं तुम्हारा रोग का कारण निकालती है? क्या दवाएं तुम्हें स्वास्थ्य के नियम के साथ जोड़ देती है? तो दवाएं तुम्हें ठीक करेगी तो करेगी, किस तरफ से कर देगी भाई? कैसे तुम विश्वास कर लेते हो? अरे वो एक केमिकल है, नेचुरल है या वो रिफाइंड है? केमिकल जाकर क्या करता है? या तो स्टिमुलेशन या सेडेशन, और या नहीं तो बिल्कुल न्यूट्रल, कुछ करता ही नहीं, प्लेसेबो। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एनके शर्मा। कोई भी शरीर में जरा सी भी बीमारी आती है ना, तो हम शरीर की भाषा को समझे बिना हर आदमी आज से नहीं सदियों से एक ही अंधी भागदौड़ क्या कर रहा है मालूम है? दवा खाओ, दवा खाओ, औषधि खाओ, औषधि खाओ। अब दवा चाहे एलोपैथी की हो, आयुर्वेद की हो, होम्योपैथी की हो, यूनानी हो, तिब्बती हो, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दवाएं गलत नहीं है, दवाओं का शास्त्र भी गलत नहीं है, क्योंकि वो तो अध्ययन है दवाओं का, केमिकल्स का, हर्ब्स का। लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत है कि दवाओं से मैं ठीक होता हूं। दोस्तों कैसे ठीक हो जाओगे? क्या दवाएं तुम्हारा रोग का कारण निकालती है? क्या दवाएं तुम्हें स्वास्थ्य के नियम के साथ जोड़ देती है? तो दवाएं तुम्हें ठीक करेगी तो करेगी, किस तरफ से कर देगी भाई? कैसे तुम विश्वास कर लेते हो? अरे वो एक केमिकल है, नेचुरल है या वो रिफाइंड है? केमिकल जाकर क्या करता है? या तो स्टिमुलेशन या सेडेशन, और या नहीं तो बिल्कुल न्यूट्रल, कुछ करता ही नहीं, प्लेसेबो। तो दोस्तों एक केमिकल अपने शरीर में डालकर तुम आशा करते हो कि तुम्हारे बड़े बड़े रोग जो है वो ठीक हो जाए? नहीं। और ये दवाएं कोई तुम्हारा भोजन है, कोई आहार है? दोस्तों शरीर के लिए फॉरेन सब्सटेंस है, शरीर में जाते ही शरीर इनके विरोध में प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। एक तो केमिकल के जो साइड इफेक्ट है वो अलग बात बता रहा हूं, पर साथ में शरीर उसकी प्रतिक्रिया में अपनी एनर्जी खर्च कर रहा होता है। तो दोस्तों जब भी दवा के साथ कोई प्रतिक्रिया होती है ना, चाहे कोई भी दवा हो, इवन तुलसी भी होने से बता रहा हूँ, तो याद रखना यू आर लूजिंग एनर्जी फ्रॉम योर ओन फिक्स्ड डिपॉजिट। दोस्तों आप अपने ही फिक्स्ड डिपॉजिट से आप एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करके उसको रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि रिएक्शन को ऐसा तो हो नहीं जाता। तो हर दवा तुम्हारी रोज तुम्हारी फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि इनकम कर रही होती है, यानी कि जीवनी शक्ति कमजोर कर रही होती है, और तुम उस पर भरोसा करते हो। दोस्तों दो चार दिन खा लिया कोई बात नहीं, समझ नहीं थी, लोगों ने भटका दिया था, यानी तो हम डर गए थे, कोई बात नहीं। लेकिन तुम तो हमेशा अपनी दवाओं को साथ में जोड़ के खा लेते, सॉरी तुम तो हमेशा अपनी दवाओं को साथ में जोड़ लेते हो। तो दोस्तों दवाएं जो है ना, ये शरीर का कोई भोजन नहीं है, तो टेम्प्रेरी ऐसा कभी दवा खानी पड़े तो होम्योपैथी आयुर्वेद की तरफ चले जाओ, क्योंकि कम से कम उसका नुकसान कम है, साइड इफेक्ट कम है। होम्योपैथी तो पूरी एनर्जी मेडिसिन है, उसमें तो मेडिसिन तक भी नहीं बता रहा हूँ, वो तो कम से कम और सेफर है, और आयुर्वेद उसमें भी उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन वो तो शरीर को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में डाल सकती है। तो दवा खाने का मतलब क्या मालूम है? एक बीमारी लेकर जाना और चार बीमारी और नहीं कमा के आना, दवा का मतलब ही है। तो दोस्तों कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी दवाएं हब गलत नहीं होती, तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत है कि दवाओं से हीलिंग होती है या हेल्थ मिलता है या बीमारी ठीक होती है। नहीं, बीमारी ठीक होती है रोग के कारण निकलने से, और बीमारी ठीक होती है स्वास्थ्य की सुविधाएं पैदा करने से। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है ना, तो तुम अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धोखा दे रहे हो, तुम अंधे हो
और तुम इस अंधकार में रहकर तुम अपना बहुत बड़ा भविष्य में नुकसान करोगे, ये तुम पक्का मान करके चलो। तो दोस्तों ये वीडियो है ना आपको दवाओं से बचाने के लिए, जगाने के लिए, इसलिए क्षमा करना मेरी बातों से अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं, मैं फिर आऊंगा और एक नया वीडियो लेकर इसी तरह के विषयों को चर्चा करने के लिए।